जगह बैक अगेन टू मनोज जर्नी। मनोज जर्नी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कहाँ पे आए हैं वो बताने से पहले, जो हमारे इस चैनल में नए हैं हमारे चैनल को जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे सेट करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज हम आए हैं अल्बर्ट हॉल। तो हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि आज आने वाले कैलाश खेर to be part of a really special day for India. Ram Mandir is something that we've heard about all week, and we appreciate the importance to India, and we hope that you all really enjoy and celebrate the special event together. So yahan pe abhi puja chal rahi hai, kisi bhi shubh karya ko karne se pehle Ganesh ji ka naam liya jata hai, Ganesh ji ki vandana ki jati hai, aur fir uske baad kuch hi der baad aayenge Kailash Kher, aur wo apne pyare pyare bhajan sunayenge aur Ram stuti wagaira sunayenge. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. R-A-M. साथियों, मेरे मन में एक ख्याल आया कि अयोध्या के अंदर तो प्राण प्रतिष्ठा हो ही रही है, तो क्यों ना राजस्थान जयपुर में भी इसका इतना विशाल उत्सव मनाया जाए जिसकी गूंज पूरे विश्व में जाए। क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, क्योंकि यह पूरा जो जग है वो सिया राम में है। लोगों ने कहा कि राम आगमन है, हमने लिखा रामाभिषेकम, क्योंकि राम तो कहीं गए नहीं थे, राम यही थे, तो आगमन कैसे हो सकता है। इसीलिए हमने रामाभिषेकम और विशाल आरती का यहां पर आयोजन किया। राम का उत्सव तो हम मना रहे हैं, लेकिन यह भाव राम के चरित्र को जीवन में अपनाना केवल 22 जनवरी तक नहीं रह जाए, क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ था जिसका जश्न हम केवल दो बार मनाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। क्या उस स्वतंत्रता का पर्व, उस स्वतंत्रता का भाव हम पूरे साल हमारे हृदय में रखते हैं? तो केवल इसको इवेंट की तरह मनाकर नहीं छोड़ देना है। राम त्रेता में आए थे, उनकी मर्यादा से त्रेता के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को उनकी कृपा मिली थी। Who wants a bass in song? Oh.
बारंबार नमन है। जय हो स्वामी जी, बने रहो। हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे जयपुर वासियों, भारत वासियों, मेरे हृदय के वासियों, हमारे परिवार के आप सदस्य हैं। हम फैंस नहीं बोलते, फैंस बड़ा अंग्रेजी शब्द है जी। ये परिवार के लोग हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मेरे राम जगे हैं आप सबके हृदय में, और ये राम युग का प्रारंभ है। याद रखना हमारे शब्द, हम पगलाए हुए हैं थोड़े, लेकिन हम कहने के लिए कोई शब्द कहते नहीं। याद रखिए, अब सब कुछ वो हो रहा है जो होना चाहिए, और वो तभी होता है जब राम युग प्रारंभ हो जाए। वो हो इसलिए रहा है कि जन जन में मेरे राम जगे हुए हैं, और आप लोग ऐसे पलट पलट के दे रहे हैं अनुचित को उचित करने के लिए। ऐसा पलट दे रहे हैं कि जो रामें पलट सकते हैं, तो जनता राम होती है। याद रखना, ऐ मेरी जनता, आप राम हैं, आपके हृदय में राम जग चुके हैं। जगाए रखना, बस अनुष्ठान करते रहिए, पगलाइए मत, बस परमात्मा में समर्पित रहिए। क्यों? क्योंकि हमें शत्रुओं से खतरा कम है, मित्रों से खतरा ज्यादा है। याद रखिएगा, हमारी लुटिया जब भी डुबाई है वो मित्रों ने, परिवारों ने, जयचंद परिवारों से ही निकले हैं। तो कृपया जागते रहना, होशियार रहना, रे नगर में चोर आवेंगे। जागृत रहना, रे नगर में चोर आवेंगे।